दोस्तों ये सीपीयू में लगने वाला डीवीडी ड्राइव है, इसमें कैसेट ट्रे ओपन नहीं हो पा रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें इसको खोलना होगा। तो चलिए यहाँ पर जो स्क्रू लगे इनको मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मैं इसको खोल चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको ओपन करने का जो तरीका रहेगा, यहाँ पर इसको धीरे से हम उठाएंगे। तो उठा के ऊपर का जो इसका ढक्कन रहेगा ये तो खुल जाएगा। अब नीचे का जो ढक्कन खोलना है वो हम यहाँ पर इस तरीके से खोलेंगे। देखिए दो तरीके से खुलता है। अब इसकी डिस्क तो बाहर नहीं निकल पा रही है, एक तो इसको हम खींच के भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक लॉक लगा है इसको खींच के हम खोल लेंगे। चलिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अब इस लॉक को एक बार दबा के खींचते हैं। चलिए तो खुल चुका है इस तरफ का। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे खुलेगा। हाँ इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा तब ये खुल पाएगा। एक मिनट इसको खींचते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। और ध्यानपूर्वक कीजिएगा, कोई चीज़ टूटे ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये खुल तो जाए। यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप के डीवीडी ड्राइव आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं इस ओपन कर रहा हूँ सेम फंक्शन आपका मतलब उसमें हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें भी कोई लॉक सिस्टम होगा, उसको देख लीजिए, लगभग सारे के सारे एक जैसे रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा खींच के मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऊपर एक इसके लॉक लगा हुआ है, अगर ये खुल जाता है तो समझ लीजिए आराम से। हाँ ये खुल गया। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम किस जगह पे आती है आपको दिखाता हूँ। इसको मैं सबसे पहले हटा के देखता हूँ। ये तो बिल्कुल ओके है, मदरबोर्ड में कोई भी कमी नहीं है और यहाँ पर सारी बेल्ट वेल्ट अच्छी तरीके से लगी हैं। चलिए इसको दोबारा से पैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक बैटरी ले ली है और यहाँ पर जो एक मोटर लगी है जो ट्रे को ओपन करने के काम पे आती है। अब देखते हैं वहाँ पर, वो तो बिल्कुल ओके है, मोटर तो बिल्कुल ओके है, लेकिन ट्रे थोड़ा सा खींच के बाहर को निकल गई है। अब यहाँ पर देखिए मोटर को अच्छी तरीके से आप चेक कर लीजिए, बैटरी वैटरी अगर अच्छी खासी अगर आपकी है तो मोटर पता चलेगी। तो ये बेल्ट मेरे ख्याल से ये बेल्ट ढीली है। हाँ ये बेल्ट ढीली होने की वजह से हो सकता है यहाँ पर प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। क्योंकि यहाँ पर बेल्ट मैंने चेक की तो काफ़ी सारी ढीली यहाँ पर हो चुकी है। बेल्ट मोटर जब घूम रही है तो बेल्ट पूरे सिस्टम को नहीं घुमा पा रही है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तो घूम जा रही है लेकिन नहीं घूम पा रही। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम बेल्ट की है या नहीं है। बेल्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चेक तो कर लिया। अब यहाँ पर एक बार मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले यहाँ पर और भी चीज़ें मैं देखता हूँ, जैसे मोटर एक बार फिर से चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर मोटर तो बिल्कुल ओके है, ये देखिए ये डाउन हो गया। अब यहाँ पर एक बार इसकी फाइनल टेस्टिंग लूँ। अगर आपके पास बेल्ट है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई रबर बैंड वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये जो बेल्ट है इसकी कमी की वजह से ही हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार मैं इसकी बेल्ट को चेंज कर लूँगा, फिर यहाँ पर एक बार आपको चेक करवा के दिखाऊँगा। तो फाइनली इसकी बेल्ट मैंने चेंज कर ली है। अब देखते हैं, इसको मैंने कंप्यूटर पर अटैच कर लिया है, अब देखते हैं इसमें क्या इसका जो है सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ओपन करता हूँ इसको। चलिए तो यहाँ पर एक मिनट ये पूरा बाहर को निकल चुका है, इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करूँगा, एक मिनट। हाँ क्लोज़ कर लिया, क्लोज़ हो रहा है। अब ओपन करूँगा इसको थोड़ा सा दोबारा। हाँ ओपन हो रहा है, फिर क्लोज, फिर ओपन। तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है, मतलब बेल्ट की ही वजह से असल में ये प्रॉब्लम हो रही थी। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों, एक लाइक तो बनता है यार, और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, जब भी आपके पास कोई डीवीडी ड्राइव इस तरीके का रिपेयर के लिए आता है तो आप बेल्ट से पहले मोटर ज़रूर चेक कर लीजिए। बेल्ट तो ख़राब होती होती है ज़्यादातर कंडीशन में, लेकिन मोटर भी ख़राब हो सकती है। वैसे मोटर के ख़राब होने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन बेल्ट जो है जल्दी घिस जाती है। इसलिए बेल्ट सेक्शन और मोटर सेक्शन दोनों पे जाइएगा और दोनों को आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ और इस तरीके की वीडियो हमेशा आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, इस वीडियो को शेयर करना और लाइक किए बिना मत जाना। तो इसको पैक कर लेते हैं हम। तो चलिए मैं इसको पैक करके बाद में फिक्स वगैरह कर लूँगा जो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।